मडल 77 सेवन परफेक्ट सब्सिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने वहां पे बात की कि प्रोडक्शन रिक्वायर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इनपुट जब आप इनपुट्स की बात करोगे इट माइट बी पॉसिबल टू इनपुट्स आर परफेक्ट सब्सटी हाँ जी कौन से हो सकते हैं परफेक्ट सब्सिट्यूट स्टॉक प्रोडक्शन की बात करूँ तो वहां टू टाइप्स ऑफ द दर हमने ड्राई फॉर्डर की बात की हमने ग्रीन फॉर्डर की बात की हाँ जी दोनों क्या हैं मैं कह सकता हूँ कि इट माइट बी पॉसिबल के फॉर लाइफ स्टॉक दीज टू इनपोर्ट्स आर परफेक्ट सब्च्यूट के जी आप खुशक चारा यूज कर लो या सब्ज चारा यूज कर लो इट कैन सर्व एज अ फॉर्डर फॉर द एनिमल हाँ जी मैं कुछ ये भी बात कर सकता हूँ कि जी हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट की कि वीट प्रोडक्शन हो रही है टू प्रोड्यूस वेट इट रिक्वायर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इनपुट हमने कैटेगराइज किया इन दी फॉर्म ऑफ लेबर एंड कैपिटल हाँ जी वीड में क्या थी जी वहां पे कुछ वीड्स भी थी उन वीड्स को रिमूव करने के लिए क्या करना क्या रिक्वायर था कि जी आप या तो लेबर हायर करो और उन्हें कहो जी रिमूव करें वीड्स चले सेकंड क्या है कि जी आप वहां पर कोई हरबी साइट वगैरह स्प्रे कर दें हाँ जी वीड के केस में शायद ये एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाए हम कॉटन की बात कर लेते हैं फॉर कॉटन प्रोडक्शन

डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ टू इनपुट्स और अगर मेरी एजम्पन ये है कि टू इनपुट्स आर परफेक्ट सब्सिट्यूट ऑफ इच अदर देन क्या होगी अवर आइसोकॉन्ट इज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैं यहां पर इस डायग्राम में रिपोर्ट कर रहा हूं और इस केस में स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट क्या है स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज कॉन्स्टेंट क्या जी जिस मर्जी पॉइंट में मैं स्लोप ऑफ आइसोकॉन मैयर करूंगा स्लोप क्या होगी स्लोप सेम और मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन यहां पे क्या है कॉन्स्टेंट अंडर इमरफेक्ट सब्च्यूट सिटीट्यूशन एज डाउन अलोंग एन आइसोकॉन लेकिन यहां पे क्या है कि हम अलोंग एन आइसोकॉन तो मूव कर रहे हैं बट देयर इज नो चेंज इन मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन अब यहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता है टू इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जी क्या एग्जाम्पल हो सकती है जी टू मेक प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट इट रिक्वायर रिटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल जी कैपिटल किस फॉर्म में हो सकता है मैं कह सकता हूं देयर इज अ ट्रैक्टर दैट इज यूज टू कैरी आउट सम एक्टिविटीज इन द फील्ड हां जी उस ट्रैक्टर को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए आई नीड वन लेबर क्या अगर मैं इस ट्रैक्टर और लेबर के परस्पेक्टिव में बात करूं तो यहां पे क्या होगा एन एग्जेक्ट कंबिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रन ट्रैक्टर हाँ जी मैं दो कैपिटल गुड्स की बात कर लेता हूँ चलें क्या जी मुझे कल्टीवेटर मेरे पास एक कल्टीवेटर है उस कल्टीवेटर के साथ मुझे क्या रिक्वायर होगा आई नीड वन ट्रैक्टर हां जी कल्टीवेटर विदाउट ट्रैक्टर क्या होगा विल नॉट सर्व एनी पर्पज टू दमर जब इस तरह की सिचुएशन हो कि टू एंड वी नीड अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट तब हम क्या कहेंगे कि टू इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जब हम कहते हैं टू इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट देन एन आइसोकॉन्ट इज अ राइट एंगल्ड टू कर इस केस में आइसोकॉन्ट क्या होगी एक 90 डिग्री एंगल की कर्व होगी मेरे पास जिस तरह हम यहां पे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस केस में स्लोप क्या होगी स्लोप ऑफ आइसोक्वांट विल बी आई दर जीरो आर इन्फिनिट हां जी इनफिनिट किस केस में होगा ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है आपका जो वर्टिकल पार्ट है आइसोक्वांट का यहां पे स्लोप ऑफ आइसोक्वांट विल बी इन्फिनिट और जो हॉरिजेंटल पार्ट है आइसोक्वांट का यहां पे स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होगी इट इज इक्वल टू जीरो और जब आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन की बात करोगे तो इस केस में क्या हो सकता है दैट विल आल्सो बी आइदर जीरो इनफिनिट अब अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज कर दूं तो ये मुझे क्या इंडिकेट करता है कि इट माइट बी पॉसिबल एन आइसोक्वांट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन किस केस में होगा वेन टू इनपुट्स आर परफेक्ट सब्च्यूट आइसोक्वांट मेरे पास एक राइट एंगल्ड कर्व भी हो सकती है कब वेन टू इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इच अदर लेकिन मोस्टली जब हम आइसोक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी वहां पर क्या है कि टू इनपुट्स आर ना इधर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट नॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट और वहां पर आपकी आइसोक्ट की शेप क्या होगी दिस इज इट इज कर्व इन शेप दिस इज कॉन्वेक्स दिस इज अ करव दैट इज कन्वेक्स टू वर्ड्स ओरिजन